टेलीपैथी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू टेलीपैथी। टेलीपैथी एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से इंसान की इमेजिनेशन का हिस्सा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शक्ति सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट इतना ही पुराना है जितना हमारा इतिहास, और आज हम इसी रहस्य का परिचय करेंगे। टेलीपैथी का मतलब है बिना किसी फिजिकल मीडियम के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप बिना बोले अपने थॉट्स को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। टेलीपैथी को अक्सर माइंड कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट हमें अलग अलग कल्चर्स और सिविलाइजेशंस में देखने को मिलता है। एंशिएंट इजिप्ट से लेकर इंडिया तक लोगों को माना है कि कुछ लोगों में ये शक्ति होती है कि वो अपने विचारों को बिना शब्दों के दूसरे तक पहुंचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी इंडियन टेक्स्ट में अंतर्दृष्टि और दिव्य दृष्टि जैसे टर्म्स पढ़ते हैं जो टेलीपैथिक एबिलिटीज से मिलते जुलते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज के मॉडर्न टाइम्स में भी लोग टेलीपैथी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये भी पता लगाया है कि अब तक काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज कंडक्ट की जा चुकी हैं, जिसमें ये देखा गया है कि ब्रेन वेव्स कैसे थॉट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से टेलीपैथी को समझना अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक नेचुरल ह्यूमन एबिलिटी हो सकती है जिसे हम अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि जब दो लोग मेंटली कनेक्टेड होते हैं उनके ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होने लगते हैं, जो एक टेलीपैथिक कनेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आपने किसी दोस्त के बारे में सोचा और वो तुरंत ही उनका फोन आ गया हो, या फिर आपको किसी अपने क्लोज पर्सन के इमोशंस बिना कुछ कहे समझ आ गए हों? ये सब टेलीपैथी के छोटे छोटे एग्जांपल्स हो सकते हैं। टेलीपैथी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं होते, ये एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं जो वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये वाइब्रेशंस उन तक पहुंच सकती हैं, और इस प्रक्रिया से हम दूसरों तक अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये चैप्टर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें आगे हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना शब्दों के दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। रिमेंबर, टेलीपैथी इज मच अबाउट ट्रस्ट इन योर इंस्टीट्यूशन एज इट इज मोर अबाउट टेक्निक। जैसा कि प्लूटार्च ने कहा है, द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी किल्ड। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टेलीपैथी के पीछे छिपे विज्ञान को। तब तक अपने माइंड को ओपन रखिए और एक्सप्लोर करते रहिए। चैप्टर 2, द साइंस बिहाइंड टेलीपैथी। टेलीपैथी एक ऐसी एबिलिटी है जो हमेशा से मिस्टीरियस रही है, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम इसके पीछे छिपे कुछ सीक्रेट्स को समझने लगे हैं। आज हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे टेलीपैथी के पीछे का साइंस और देखेंगे कैसे हमारे दिमाग की वेव्स इस प्रक्रिया में शामिल होती हैं। हमारे दिमाग में हर वक्त एक तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये वेव्स हमारे थॉट्स, इमोशंस और इवन हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो ये ब्रेन वेव्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है पिनील ग्लैंड, जिसे अक्सर थर्ड आई भी कहा जाता है। पिनील ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में लोकेटेड होती है और ये मेलाटोनिन हार्मोन को रेगुलेट करती है जो हमारे स्लीप वेव साइकिल को कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ग्लैंड सिर्फ स्लीप से रिलेटेड नहीं है
बल्कि हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और टेलीपैथिक एबिलिटीज में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंस के अकॉर्डिंग टेलीपैथी को समझने के लिए हमारे ब्रेन वेव्स के बिहेवियर को समझना होगा। कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि जब दो लोग मेंटली कनेक्टेड होते हैं उनकी ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होने लगती हैं। इस फिनोमेना को ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं और ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के पॉसिबिलिटी के स्ट्रेंथन करता है। ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के बारे में इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ सोचते हैं। ये वेव्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और अगर दो लोग इमोशनली और मेंटली कनेक्टेड हैं तो उनकी वेव्स मैच होने लगती है, जो टेलीपैथिक कनेक्शन का एक साइन हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीजें हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कही गई हैं, उनका मॉडर्न साइंस में भी एक बेसिक बेस मिलता है। जैसे इंडियन स्क्रिप्चर्स में अंतर्दृष्टि और दिव्य दृष्टि का जिक्र है, वहीं आज के साइंटिस्ट ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक टेलीपैथी को फुली प्रूव करना पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे ब्रेन वेव्स और एनर्जी फील्ड की इस प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइंस इस जर्नी में अभी शुरुआत में है, लेकिन पॉसिबिलिटीज का स्कोप बहुत बड़ा है। अगर आप अपने माइंड को काम और फोकस करते हैं तो आप अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। मेडिटेशन और ध्यान के थ्रू आप अपनी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसा कि बुद्धा ने कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं और रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 3, डेवलपिंग योर टेलीपैथिक एबिलिटीज। टेलीपैथी को समझने के बाद अगला स्टेप है अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को डेवलप करना। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस जो आपको अपनी टेलीपैथिक पावर्स को इन्हेंस करने में मदद करेंगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है मेडिटेशन। हाँ जी हाँ, मेडिटेशन इज द फाउंडेशन ऑफ टेलीपैथिक प्रैक्टिस। जब आप अपने माइंड को काम और फोकस करते हैं तो आप अपनी थॉट्स को क्लियर और स्ट्रांग बना पाते हैं, जो टेलीपैथी के लिए बहुत जरूरी है। शुरू करने के लिए एक क्वाइट जगह चुन लीजिए जहां आप बिना किसी डिस्ट्रक्शन के बैठ सकें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं और बैठिए और अपनी आंखों को बंद करके अपने ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप अपनी सारी टेंशंस और स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और अपने माइंड को शांत और क्लियर होने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज द आर्ट ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू एनर्जी। अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करिए कि आपके विचार एक रोशनी की तरह हैं, जो आपके दिमाग से निकलकर सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं। ये रोशनी पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, जो आपके थॉट्स और इमोशंस को कैरी कर रही हैं। इस विजुअलाइजेशन को रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप अपने टेलीपैथिक सिग्नल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। जब भी आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, अपने विचारों को ये सोच कर भेजिए कि वो एक रोशनी के बीम के रूप में एक तक पहुंच रही हैं। टेलीपैथी में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोकस और कंसंट्रेशन। विदाउट फोकस टेलीपैथिक सिग्नल गेट लॉस्ट इन द नॉइज। इसलिए अपने प्रैक्टिस के दौरान अपने माइंड को एकदम शार्प और ध्यान केंद्रित रखिए। कोशिश करिए कि आप अपने थॉट्स को किसी एक व्यक्ति पर कंसंट्रेट कर सकें। कुछ फोकस एक्सरसाइजेस जैसे कि जलती है हुई कैंडल को बिना ब्लिंक किए देखना या एक ऑब्जेक्ट पर अपनी पूरी अटेंशन लगाना अपने ध्यान को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये एक्सरसाइजेस आपको अपनी टेलीपैथिक प्रैक्टिस में और भी मदद करेंगी, क्योंकि जितना आपका फोकस स्ट्रांग होगा उतना ही क्लियर और स्ट्रांग आपके टेलीपैथिक सिग्नल्स होंगे। एक और इफेक्टिव तरीका है
किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना। आप और आपका पार्टनर अलग अलग रूम में बैठिए और बिना किसी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अपने थॉट्स एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करिए। टेलीपैथी इज अबाउट बिल्डिंग अ मेंटल कनेक्शन और ये कनेक्शन प्रैक्टिस के साथ और स्ट्रांग हो जाता है। द मोर यू प्रैक्टिस द स्ट्रॉन्गर योर टेलीपैथिक एबिलिटीज बिकम। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे आप टेलीपैथिक सिग्नल्स भेजें और रिसीव करें, इस टेक्निक को इफेक्टिव यूज करने का तरीका। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 4 टेक्निक फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग टेलीपैथिक मैसेजेस। टेलीपैथी में सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है संदेश भेजना और रिसीव करना बिना किसी फिजिकल मीडियम के। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स जो आपको अपने टेलीपैथिक मैसेजेस भेजने और रिसीव करने में मदद करेंगी। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड को क्लियर और फोकस रखना। अ क्लियर माइंड इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लियर कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी टेलीपैथिक संदेश भेजना चाहते हैं, एंश्योर करिए कि आपका माइंड फ्री ऑफ डिस्ट्रक्शंस हो, जिसमें अननेसेसरी थॉट्स बिल्कुल भी ना हों। अपनी आंखों को बंद करिए और डीप ब्रेथ लीजिए। इमेजिन करिए आपके थॉट्स एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये एनर्जी आपके दिमाग से निकलकर एक बीम ऑफ लाइट की तरह उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। ये सोचिए कि आपका संदेश इस लाइट बीम के जरिए डायरेक्टली उस व्यक्ति के दिमाग में एंटर हो रहा है। अपनी पूरी कंसंट्रेशन इस संदेश पर लगाएं और कुछ देर तक इस कनेक्शन को होल्ड करके रखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंसंट्रेशन डिटरमाइंस द क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज। अब आप किसी से टेलीपैथिकली मैसेज रिसीव करना चाहते हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल ओपन और रिसेप्टिव रखिए। रिसेप्टिविटी इज द की टू सक्सेसफुल टेलीपैथी। ये सोचिए कि आप एक ब्लैंक स्टेट में हैं जिसमें वो व्यक्ति अपने विचार लिख रहा है। जब आपको लगता है कि कोई टेलीपैथिक मैसेज रिसीव हो रहा है, अपने माइंड को इस सिग्नल पर फोकस करिए। ये सिग्नल एक इमेज, एक थॉट या एक इमोशन के रूप में हो सकता है। बिना किसी जजमेंट के इस सिग्नल को एक्सेप्ट करिए और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। टेलीपैथी में पेशेंस और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी शुरुआत में आपको सिग्नल्स क्लियर नहीं मिलते, लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, पेशेंस इज द ब्रिज बिटवीन प्रैक्टिस एंड सक्सेस। इसलिए अपने प्रैक्टिस को रेगुलर रखिए और अपने माइंड को हर सेशन के बाद रिलैक्स करने दीजिए। एक इफेक्टिव एक्सरसाइज ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ टेलीपैथिक प्रैक्टिस करें। आप दोनों में से एक व्यक्ति किसी एक सिग्नल या सिंपली थॉट्स या इमेज पर फोकस करें और दूसरा व्यक्ति उस थॉट को रिसीव करने की कोशिश करें। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आपके मैसेजेस क्लियर और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। टेलीपैथी इज नॉट अबाउट स्पीकिंग लाउडर बट अबाउट लिसनिंग मोर क्लोजली। अगले चैप्टर में हम फिजिक डेवलपमेंट के अनएक्सपेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे टेलीपैथी आपकी ओवरऑल फिजिक एबिलिटीज को एनहेंस कर सकती है। चैप्टर 5 फिजिक डेवलपमेंट। टेलीपैथी के बाद फिजिक डेवलपमेंट का अगला कदम है अपनी दूसरी मानसिक क्षमताओं को डेवलप करना। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लेयरवॉयंस, क्लेयरऑडियंस और इंस्टीट्यूशन जैसी एबिलिटीज जो आपकी टेलीपैथी को और मजबूत कर सकती है। क्लेयरवॉयंस का मतलब है क्लियर सीइंग, यानी बिना अपनी फिजिकल आंखों के अपनी दिमाग में इमेजेस देखना। ये एबिलिटी आपकी टेलीपैथिक प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। क्लेयरवॉयंस के थ्रॉट आप दूसरों के थॉट्स को इमेजेस या सिंबल्स के रूप में देख सकते हैं। क्लियर ऑडियंस का मतलब है क्लियर हेयरिंग, यानी आपके माइंड के थ्रू आवाज़ को सुनना। ये एक ऐसी फिजिक एबिलिटी है जो आपको बिना किसी शब्दों के दूसरे व्यक्ति के इमोशंस और थॉट्स को सुनने में मदद करती है। क्लियर ऑडियंस के प्रैक्टिस के लिए आपको अपने माइंड को एकदम शांत और रिसेप्टिव रखना होगा। इंस्टीट्यूशन यानी अंतर्वाद आपकी सबसे नेचुरल फिजिक एबिलिटी होती है।
इंट्यूशन इज द इनर वॉइस गाइडिंग यू थ्रू द अननोन। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के आपको सही रास्ते पर ले जाती है। टेलीपैथी में इंट्यूशन बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है, क्योंकि कई बार आपको सिग्नल्स डायरेक्टली नहीं मिलते, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में गाइड करती है। अपने इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए अपने डेली लाइफ में इस तरह ध्यान देना शुरू करिए। जब आपके मन में कोई फीलिंग या थॉट आता है, इसे इग्नोर मत करिए और उस विश्वास करिए कि देखिए कि आपको कहाँ ले जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होती जाती है। फिजिक डेवलपमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी एनर्जी फील्ड को समझना और कंट्रोल करना। योर एनर्जी फील्ड इज योर फिजिक रडार। ये आपको अपने आस पास की एनर्जी और वाइब्रेशंस को सेंस करने में मदद करती है। अपनी एनर्जी को क्लियरेंस और प्रोटेक्ट करना फिजिक प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपनी एनर्जी को क्लियरेंस करने के लिए आप रेगुलर बेसिक पर मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक ब्राइट वाइट लाइट का शील्ड है जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करता है। ये शील्ड आपको टेलीपैथिक और फिजिक प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको फोकस्ड और बैलेंस रखेगा। द मोर यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन द मोर एम्पावर्ड यू बिकम। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स में टेलीपैथी का उपयोग कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ एक डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 6 टेलीपैथी इन रिलेशनशिप्स। टेलीपैथी सिर्फ एक मेंटल एबिलिटी नहीं है, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को और भी डीपली इम्पैक्ट कर सकती है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे टेलीपैथी को आप अपने रिलेशनशिप्स में यूज़ कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ एक डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। टेलीपैथी को रिलेशनशिप्स में इस्तेमाल करना एक पावरफुल टूल बन सकता है। जब आप और अपने पार्टनर या लव्ड वन मेंटली और इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बिना शब्दों के एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेलीपैथी इज द साइलेंस लैंग्वेज ऑफ लव। टेलीपैथी का उपयोग आप अपने डेली इंटरेक्शंस में कर सकते हैं, जैसे आप अपने पार्टनर के मूड को बिना कुछ कहे समझना या उनकी नीड्स और डिजायर को टेलीपैथिकली सेंस करना। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी बिना बोले भी अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन फील करना बहुत ही स्पेशल होता है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट और ओपननेस। जब आप अपने लव्ड वन के साथ मेंटली कनेक्टेड होते हैं, तो अपने माइंड और हार्ट को ओपन रखिए। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ टेलीपैथिक रिलेशनशिप्स। अपने थॉट्स को क्लियर और पॉजिटिव रखिए और अपने पार्टनर के इमोशंस को बिना जज किए समझने की कोशिश करिए। टेलीपैथी का उपयोग कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करने में भी किया जा सकता है। जब कभी आप अपने पार्टनर के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अपने माइंड को काम करके अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को टेलीपैथिकली समझने की कोशिश करिए। इन कॉन्फ्लिक्ट टेलीपैथी कैन बी ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग। यह आपको दूसरे व्यक्ति की फीलिंग तक पहुंचने में मदद करेगा। टेलीपैथिक कनेक्शंस बनने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप और आपके पार्टनर या लव्ड वन के बीच मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसा बिना बोले एक दूसरे के बारे में सोचना और देखना कि क्या आप दोनों की एक थॉट या फीलिंग पर आते हैं। ये प्रैक्टिस आपकी बॉन्डिंग को और स्ट्रांग कर देगी। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं, बल्कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इफेक्टिव होता है। अपने बच्चों के साथ टेलीपैथिक बॉन्ड बनाने से आप अपने इमोशंस को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। टेलीपैथी स्ट्रेंथन्स द अनस्पोकन बॉन्ड्स बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये बॉन्डिंग आपके रिश्तों में एक नई डेप्थ लाती है। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। हेलेन केलर। अगले चैप्टर में हम एडवांस टेलीपैथिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें
ग्रुप टेलीपैथी और एस्ट्रल टेलीपैथी जैसे टॉपिक इंक्लूड होंगे। चैप्टर 7 एडवांस टेलीपैथिक प्रैक्टिसेस। टेलीपैथी के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस को समझने के बाद अब वक्त है उन्नत टेक्निक्स को एक्सप्लोर करने का। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप टेलीपैथी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एस्ट्रल टेलीपैथी जैसे एडवांस टॉपिक्स। ग्रुप टेलीपैथी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल अपने माइंड्स को सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर कर सकें। इन अ ग्रुप टेलीपैथिक एनर्जी इज एम्पलीफाइड। जब आप एक ग्रुप में टेलीपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाती है जो कम्युनिकेशन को और पावरफुल बनाती है। ग्रुप टेलीपैथी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक काम और रिसेप्टिव स्टेट में आना होता है। मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को शांत करिए और एक शेयर्ड इंटेंशन सेट करिए। ये इंटेंशन कुछ भी हो सकती है, जैसे एक स्पेसिफिक थॉट या मैसेज जो आप सब शेयर करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में आप सब अपने थॉट्स को एक कॉमन एनर्जी फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कलेक्टिव कंसाइसनेस आपकी टेलीपैथिक एबिलिटीज को एम्पलीफाई करता है और आपको शेयर्ड मैसेज या इनसाइट्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। द पावर ऑफ कलेक्टिव कंसाइसनेस लाइज इन इट्स यूनिटी। उन्नत टेलीपैथिक प्रैक्टिसेस का एक एस्पेक्ट है रिमोट व्यूइंग और एस्ट्रल टेलीपैथी। रिमोट व्यूइंग में आप अपने फिजिकल लोकेशन से दूर किसी जगह या इवेंट को अपने माइंड के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है। एस्ट्रल टेलीपैथी एक और फैसिनेटिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने एस्ट्रल बॉडी का उपयोग करके दूर दराज की लोकेशंस में ट्रैवल करते हैं और वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एस्ट्रल टेलीपैथी टेक्स यू बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म। ये प्रैक्टिस आपके फिजिक पावर्स को एक नई डायमेंशन में ले जाती है। एस्ट्रल टेलीपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले अपने एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ता है। ये तब होता है जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं और फिजिकली बॉडी से डिटैच होते हैं। इस स्टेट में आप अपने एस्ट्रल बॉडी के थ्रू दूर लोकेशंस पर जा सकते हैं और वहाँ के एनर्जी फील्ड्स को सेंस कर सकते हैं। ये एडवांस प्रैक्टिस आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लोरेशन का मौका देती है, लेकिन इन्हें शुरू करने से पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। एडवांस टेलीपैथी रिक्वायर्स अ स्ट्रांग फाउंडेशन इन बेसिक प्रैक्टिसेस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंसेस और प्रोफाउंड होते जाएंगे। द माइंड इज लिमिटलेस इन इट्स पोटेंशियल बट इट मस्ट बी ट्रेन्ड टू हार्नेस इट्स ट्रू पावर। अगले चैप्टर में हम टेलीपैथी के कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये प्रैक्टिसेस प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करती हैं। चैप्टर 8 केस स्टडीज एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। टेलीपैथी के बारे में हमने थ्योरी और प्रैक्टिसेस तो डिस्कस की, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज और एक्सपीरियंसेस की जिससे ये समझने में मदद मिलेगी कि ये प्रक्रिया असल जिंदगी में कैसे काम करती है। हिस्ट्री में ऐसे कई इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं जहां टेलीपैथी का प्रभाव देखा गया। एक फेमस केस है कार्ल जंग का, जो एक वेल नॉन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने पेशेंट के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के कई एग्जांपल्स नोट किए जिसमें पेशेंट्स के थॉट्स और ड्रीम्स सिंक्रोनाइजली मैच करते थे। टेलीपैथी ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हमें इस कॉन्सेप्ट की रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी दिखाते हैं। एक और वेल डॉक्यूमेंटेड केस है वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, जब एक सोल्जर ने अपनी माँ को टेलीपैथिकली वार्न किया वो डेंजर में है। माँ ने अपने बेटे की आवाज़ अपने माइंड में सुना और उसी वक्त उसने अपने घर की कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स लिए जिससे उनका परिवार एक बड़ी इंसिडेंट से बच गया। इस मूवमेंट को क्रिसिस टेलीपैथी कनेक्शन कैन बिकम अ लाइफलाइन। आज के मॉडर्न टाइम्स में भी कई लोग अपने
पर्सनल टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लव्ड वंस के इमोशंस को फील किया, ये कैसे उन्होंने दूर बैठे किसी क्लोज फ्रेंड्स के थॉट को अपने दिमाग में सुना। ये सब एक्सपीरियंसेस टेलीपैथी के कॉन्सेप्ट को और भी क्रेडिबल बनाते हैं। एक और रिमार्केबल केस स्टडी कहते हैं द ट्विंस केस के नाम से। ये केस दो आइडेंटिकल ट्विंस के हैं जिनके बीच एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेलीपैथिक बॉन्ड था। जब एक ट्विन को दर्द होता था तो दूसरे ट्विन बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के उस दर्द को फील कर लेता था, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। द बॉन्ड बिटवीन ट्विंस कैन बी अ नेचुरल टेलीपैथिक कनेक्शन। ये सारे केसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि टेलीपैथी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड फिनोमेना है जिसे हम सब एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। टेलीपैथी इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस। लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने माइंड को ओपन रखें और अपने एक्सपीरियंसेस पर विश्वास करें। साइंस भी धीरे धीरे टेलीपैथी के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रही है। कुछ एक्सपीरियंसेस में देखा गया है कि जब दो लोग मेंटली कनेक्टेड होते हैं उनकी ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज मैच करती है, जो टेलीपैथिक कनेक्शन का प्रूफ हो सकता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स पेशेंसली वेटिंग फॉर अवर सेंस टू ग्रो शार्पर। अगले चैप्टर में हम टेलीपैथी के फ्यूचर और टेक्नोलॉजी के इसके इंट्रीगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या टेलीपैथी ह्यूमन इवोल्यूशन का एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? चैप्टर 9 द फ्यूचर ऑफ टेलीपैथी। टेलीपैथी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी भविष्य की भी काफी प्रॉमिसिंग है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि फ्यूचर में टेलीपैथी का रोल क्या हो सकता है और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ इसका इंट्रीगेशन ह्यूमन इवोल्यूशन के नए डायमेंशन में ला सकता है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ टेलीपैथी के इंट्रीगेशन भी पॉसिबल होता जा रहा है। आज हम देखेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं जो माइंड और मशीन्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रही हैं। द माइंड और मशीन आर बिकमिंग वन। ये टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को और भी एसेसिबल बना सकती हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर हो जहां आप बिना बोले अपने थॉट्स को डिजिटली ट्रांसमिट कर सकें। ये कॉन्सेप्ट डिजिटल टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके थॉट्स एक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इवन सोशल मीडिया में भी इंट्रीगेट हो सकती है। डिजिटल टेलीपैथी के साथ पॉसिबिलिटीज का स्कोप इनफिनाइट है। ये फ्यूचर को कम्युनिकेशन लाइज इन द माइंड एंड और अपने लव्ड वन से दूर रहते हुए भी इंस्टेंटली कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना किसी डिले के शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं होगा बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। टेलीपैथी का भविष्य सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक ही सीमित नहीं रहेगा। द राइज ऑफ ग्लोबल कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन इवोल्यूशन। आने वाले समय में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के जरिए एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है, जहां लोग अपने थॉट्स और आइडियाज को एक कलेक्टिव माइंड के थ्रू शेयर करेंगे। ये ग्लोबल कॉन्शियसनेस ना सिर्फ इंसानों के बीच बल्कि इंसान और पृथ्वी के बीच भी डीपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। जैसे जैसे हम टेलीपैथी और एनर्जी कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, वैसे वैसे हम अब इन्वायरमेंट के साथ एक टेलीपैथिक बॉन्ड डेवलप कर पाएंगे। The future of telepathy is not just about communication, but about unity with the universe. Telepathy के भविष्य में technology और spirituality का एक unique fusion देखने को मिलेगा। आप advanced meditation technique का उपयोग करके अपने telepathic abilities को enhance कर सकते हैं और technology के through अपने experiences को और profound बना सकते हैं। आज हम जिस टेलीपैथी को एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं, कल वो हमारे डेली लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन सकती है। द फ्यूचर होल्ड्स द की टू अनलॉक द ऑल फुल पोटेंशियल ऑफ टेलीपैथी।
इस जर्नी में सबसे जरूरी है अपने माइंड को ओपन रखना, प्रैक्टिस करते रहना और आने वाले नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना। जैसा कि एलेनोर रूज़वेल्ट ने कहा है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। नेक्स्ट चैप्टर, फाइनल चैप्टर में हम टेलीपैथी की कंप्लीट जर्नी का ओवरव्यू देंगे और कैसे आप इस पावरफुल एबिलिटी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। चैप्टर 10, कंक्लूशन। हमने टेलीपैथी की जर्नी को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने इसके हिस्ट्री, साइंस, प्रैक्टिकल टेक्निक, रिलेशनशिप्स में उपयोग और इवन इसका फ्यूचर देखा। आज इस फाइनल चैप्टर में हम टेलीपैथी को कंप्लीट जर्नी का एक ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस पावरफुल एबिलिटी को अपने जीवन को एक इंटीग्रल हिस्सा कैसे बना सकते हैं। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट पहली नज़र में मिस्टीरियस और डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमने इस जर्नी को एक्सप्लोर किया, हमने ये समझ लिया कि एक नेचुरल ह्यूमन एबिलिटी है जिसे प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ डेवलप किया जा सकता है। टेलीपैथी इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड बट इज ऑल्सो अबाउट ए जर्नी ऑफ द सोल। अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने माइंड को काम और फोकस रखना। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस के जरिए आप अपने माइंड को टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस आपकी माइंड और ब्यूटी को सिंक्रोनाइज करेंगी, जैसे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। आपने देखा कि कैसे टेलीपैथी आपके रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने में मदद कर सकती है और इवन आपके लव्ड वंस के साथ एक डीपर बॉन्ड क्रिएट कर सकती है। इन द साइलेंस ऑफ द माइंड टेलीपैथी स्पीक्स द लाउडेस्ट। ये कनेक्शंस बिना शब्दों के, बिना फिजिकल प्रेजेंस के एक स्पेशल रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है जो बियॉन्ड द फिजिकल रियल्म है। एडवांस प्रैक्टिसेस जैसे ग्रुप टेलीपैथी और ग्लोबल कॉन्शियसनेस के थ्रू आप अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को एक हायर लेवल पर ले जा सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस आपको सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि कलेक्टिव लेवल पर भी कनेक्ट करेंगी। फ्यूचर में टेलीपैथी सिर्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं रहेगी बल्कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस बन सकती है जो हम सबको एक कॉमन कॉन्शियसनेस के जरिए जोड़ती है। टेलीपैथी की जर्नी सिर्फ माइंड को एक्सप्लोरेशन तक साबित नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है जिसमें आप अपने आप को, अपने लव्ड वंस को और इस यूनिवर्स को और डीपली लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। द जर्नी ऑफ टेलीपैथी इज द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आज आप जिस लेवल पर हैं वहीं पर अपने टेलीपैथिक जर्नी की शुरुआत करिए और धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज को इन्हेंस करिए। ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने एबिलिटीज में ग्रोथ देखेंगे। रिमेंबर, टेलीपैथी इज एज मच एज अबाउट द कनेक्शन विद अदर्स एज इट इज अबाउट द कनेक्शन विद योर सेल्फ। प्रैक्टिस करिए, एक्सप्लोर करिए और अपने माइंड को ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करिए। द ओनली लिमिट डैट एग्जिस्ट आर द वंस इन योर माइंड। अनलॉक योर पोटेंशियल एंड द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड। आज हमने टेलीपैथी की जर्नी को कम्प्लीट किया, लेकिन ये सफर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को हमेशा एक हिस्सा रहेगी। स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड एंड लेट टेलीपैथी गाइड यू न्यू रियल्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोनस चैप्टर, एथनिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टेलीपैथिक प्रैक्टिस। टेलीपैथी एक पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन जैसे किसी भी पावर के साथ होता है, इसे यूज करने के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथनिक होना जरूरी है। इस बोनस चैप्टर में हम बात करेंगे टेलीपैथिक प्रैक्टिस के एथिकल एस्पेक्ट की और कैसे आप इस एबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पेक्टफुली से यूज कर सकें। सबसे पहले एथिकल प्रिंसिपल जो टेलीपैथी में इंपॉर्टेंट है वो है कंसेंट। टेलीपैथी शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिस विद द कंसेंट ऑफ अदर्स। बिना किसी की परमिशन के उनके थॉट्स को एसेस करना या उनसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना एथिकली सही नहीं है। जस्ट लाइक अ वर्बल कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में भी रेस्पेक्ट और म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए।
टेलीपैथी के प्रैक्टिस में आपको अपने इंटेंशंस को भी क्लियर और पॉजिटिव रखना चाहिए। इंटेंशन शेप द एनर्जी यू सेंड आउट। अगर आपके इंटेंशंस प्योर और पॉजिटिव हैं तो आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप इस एबिलिटी का मिसयूज़ करते हैं, जैसे किसी को मैनिपुलेट करने का या उनके हार्म पहुंचाने के लिए, तो ये एथिकली बाउंड्रीज के वॉयलेशन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट करना। हर इंसान की अपनी मेंटल और इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं और टेलीपैथी प्रैक्टिस करने वक्त इन बाउंड्रीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज इज की इन एनी टेलीपैथिक इंट्रैक्शंस। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से किसी के पर्सनल स्पेस में इन्वेड ना रखें। टेलीपैथी का उपयोग हीलिंग और सपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ये तभी इफेक्टिव होगा जब आपका इंटेंशन क्लियर और हेल्पफुल हो। आप अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ का यूज़ किसी को इमोशनल सपोर्ट देने या उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेजने के लिए कर सकते हैं। टेलीपैथी हैज़ द पावर टू हील बट ओनली व्हेन यूज्ड विद कंपैशन। टेलीपैथिक प्रैक्टिस में सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस भी इम्पॉर्टेंट है। अपने थॉट्स और इमोशंस को पहचानिए और देखिएगा कि आप कैसे एनर्जी को जनरेट और सेंड कर पाते हैं। बी माइंडफुल ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट व्हेन प्रैक्टिसिंग टेलीपैथी। अगर आप अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट और क्लियर नहीं हैं, तो आप अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज को इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं कर पाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक ज़रूरी हिस्सा है इस जर्नी का। अपने टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस पर विचार करिए और इवैल्यूएट करिए कि क्या एथनिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को जर्नल में लिखिए, ये अपने मेंटर या ट्रस्टेड ग्रुप के साथ डिस्कस करिए। कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन कीप्स योर टेलीपैथिक प्रैक्टिस अलाइन विद एम्पैथिकल प्रिंसिपल्स। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंकल बेन। टेलीपैथी एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव एबिलिटी है, लेकिन उसे यूज़ करते वक्त हमेशा एथिकल प्रिंसिपल को याद रखिए। कंसेंट, रेस्पेक्ट, पॉजिटिव इंटेंशन और सेल्फ अवेयरनेस, ये सभी प्रिंसिपल आपकी प्रैक्टिस को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेलीपैथी विद मी। अगर आपको ये टेलीपैथी की सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। थैंक यू।